तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2022 के लिए आपको देखो इसलिए बता देता हूं 2022 के। अब देखो बहुत कुछ ऐसे चैनल्स रहेंगे जो आपको पिछले साल का ही क्वेश्चन रिपीट कराते रहेंगे, लेकिन हम आपको क्लियर बता देते हैं एग्जाम 2022 के लिए स्पेशली है। और एक एक क्वेश्चन अगर आप एग्जाम 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको जो है याद करना अनिवार्य है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 400 प्लस स्कोर आराम से करने के लिए आसानी से, तो आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको कमान होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो विद्यालय जो होता है इसका संधि विच्छेद होता है विद्य प्लस आलय, याद रखना अच्छी तरह से, विद्य प्लस आलय जो है विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या था? आपे मतलब जो आपे मतलब होता है अपने आप से, ठीक है, यानी आपे से बाहर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है बहुत क्रोधित होना, यानी बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं अपने आप से बाहर हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर किसी के साथ अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है अपने आप से बाहर हो जाते हैं, उस टाइम उतना दिमाग नहीं चलता है, बाद में भले अफसोस होता है कि क्यों लड़ाई की, लेकिन उस टाइम उतना नहीं सोचते, वही होता है आपे से बाहर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बॉयज का सही उत्तर क्या होगा आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई, यानी कौन से जो है कविता संग्रह से जो है ली गई है गांव का घर, यह जो है ली गई है आपका संस्यात्मा से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है सुरसागर के कवि जो है कौन है, तो सुरसागर जो है इसके कवि जो है सूरदास जी हैं, आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है सिपाही की माँ जो है कहानी के कहानीकार कौन है। अब देखो सिपाही की माँ जो है यह क्या है, यह आपका कहानी है, ये भी याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिपाही की माँ जो है कौन सी विद्या है, यह आपका कहानी हो गया, और इसके कहानीकार जो है इसके कहानीकार मोहन राकेश जी हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है सिपाही की माँ, क्या है यह आपका कहानी है, और ये इसके लेखक जो है मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है वैद का विलोम क्या होता है, वैद शब्द जो है इसका विलोम शब्द होता है अवैध, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, नयन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। लेकिन ये अकेडमी लाया आप सभी के लिए सुनहरा मौका, अन अकेडमी जो है आप सभी के लिए 4 करोड़ का स्कॉलरशिप दे रहा है, इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है नीट यूजी के लिए, आप स्कैन करके भी जो है जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप सभी के लिए जो है नीट यूजी के लिए जो है बिगेस्ट स्कॉलरशिप है, और ये अतुल जो है फ्री टेस्ट सीरीज है, और साथ ही आप सभी अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिलेगा, अगर 24 मंथ का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा फॉर नीट यूजी 2023 के लिए, और साथ ही और आप सभी के लिए जो है चल रही है लाइव क्लासेस, और इसमें ढेर सारे आपको फैसिलिटी देखने को मिलेंगे। नीट यूजी 2022 का लाइव सेशन चल रहा है और सफल बैच चला है, ये जितने भी बैचेज है प्रत्येक संडे को जो है शुरू होते हैं, तो आप सभी को जरूर पार्टिसिपेट करना है, और आप सभी के लिए जो है इसमें आपको पीडीएफ जो है आपको हाई क्वालिटी का देखने को मिलेगा, पीडीएफ हुआ नोट्स हुआ सभी कुछ देखने को मिलेगा, और साथ ही आप सभी के लिए जो है अन अकेडमी जो है चेस योर ड्रीम नीट यूजी, यानी आप जो है चेस भी कर सकते हैं, और आप सभी के लिए फॉर नीट 2022 और 2023, यानी 2022 और 2023 के स्टूडेंट जितने भी हैं आप सभी को जो है जरूर पार्टिसिपेट करना है। इसमें आप सभी के लिए जो है अन अकेडमी जो है बम्पर ऑफर लाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो है नहीं होगा ने प्लस अन होता है नयन का संधि विच्छेद, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है बातचीत शीर्षक की जो है इसके निबंधकार, यानी बातचीत जो चैप्टर है इसके पूछा जा रहा है निबंधकार जो है कौन है, इसके निबंधकार आपके हो गए बालकृष्ण बर्जी, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी बातचीत शीर्षक की जो है इसके निबंधकार आपके बालकृष्ण बर्जी होंगे, और साथ ही बातचीत जो है यह क्या है, यह आपका निबंध है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना, बातचीत आपका निबंध है और इसके निबंधकार हो गए बालकृष्ण बर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा जा रहा है, आनंदित, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित जो है शब्द है, इसमें प्रत्यय, प्रत्यय उसे कहते हैं जो अंत में आता है। यानी प्रत्यय क्या होता है, एक तरह अंतिम शब्द जो होता है, अंतिम शब्द जो आपका प्रत्यय हो गया, यानी जो उच्चारण में आता है, और पहला शब्द आपका उपसर्ग हो गया। ये आप सभी को जो है अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है। अब देखो आनंदित, अब इसमें देखो क्या आ रहा है, आनंदित यानी इसमें आ रहा है इत, आनंदित यानी लास्ट में जो आ रहा है ये आपका हो गया प्रत्यय, यानी इत आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जा रहा है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप देखो अकल का अंधा जो है मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी अकल का अंधा इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की जो है नहीं है? अब देखो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो नहीं है ये, अब देखो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सौ अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और नहीं है ये परीक्षा गुरु नहीं है, यानी आपके ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो गया, यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, यानी आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी जर्मनी के साथ हुआ था, यानी इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था? यानी कौन से अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था? आपके चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम, यानी बिलिंगडन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था, आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, दिनकर को जो है किस कृति पर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर जी को कौन से कृति पर प्राप्त हुआ था ये पूछा जा रहा है। यह कृति का नाम है उर्वशी, और उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर, किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा जा रहा है, कौन सी रचना जो है अज्ञेय की नहीं है? अब देखो रचना पूछा जा रहा है अज्ञेय जी की नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो अज्ञेय जी की रचना जो है आपका ये हो गया तिरछी नहीं है। फटाक से क्वेश्चन देखो, जल्दी से जल्दी आंसर मानना है, यानी कौन सी रचना जो अज्ञेय जी की नहीं है, तो तिरछी नहीं है, और रचना अगर पूछा जाएगा अज्ञेय जी की है तो ये भी आपको याद रखना है, अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी की रचना है, उसके बाद भगन दूत हो गया, और एक बंधु सहसा उछली, ये सभी आपका जो अज्ञेय जी की रचना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो अज्ञेय जी की नहीं है, तो तिरछी जो है नहीं है, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो आज जो है 15 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि कुछ जो है तबीयत जो है आज थोड़ा सा ठीक अभी महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी 15 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, जो कल सुबह जो क्लास आएगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन का जो है आपका सॉल्यूशन जो है कर देंगे। ओके, तो आज रहने देते हैं 15 ही क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन का सभी का पीडीएफ जो है आप सभी जो है टेलीग्राम में जो है सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाना है, और 1 मई से जो है आप सभी का जो है जो क्लास अभी बंद चल रहा है सारा क्लास जो है आपका 1 मई से जो है फिर से एकदम रफ में धरेगा, क्योंकि आपका जो है एग्जाम का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जो है आपका 1 मई से जो आपका धमाल तैयारी होगा। और जो जो स्टूडेंट पेड क्लास में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं आप लोग सिर्फ 500 पेड करना है, और पेड क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं 97-98-03-243 नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है यही, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब नंबर है, इस पे पेड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोग पेड क्लास में जुड़ जाइए, धमाल तैयारी करना है। और टारगेट इस बार जो है सभी स्टूडेंट यानी पेड स्टूडेंट को कम से कम जो है 400 प्लस स्कोर आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा टारगेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं अगर गेस्ट पेपर जो आपको पेड स्टूडेंट पेड क्लास में ज्वाइन होंगे 500 पेड करके, उनके लिए जो है सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी देने वाले हैं उन सभी तमाम छात्रों को, तो वो सभी जो है ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर आप सभी को नोट कर लेना है, यही व्हाट्सएप नंबर है,
97 98 0 30 243 यानी 9798 0300 243 यही व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। ओके, तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक, और नहीं किए तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल से भी जो है जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप लोग जो है एजुकेशन गैलेक्सी करके जो है आपको सर्च करके जो है जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।